नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल कनिकाज फैशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नेट का क्लोथ यूज़ कर मल्टी कलर नेट क्लोथ यूज करके एक बेहद खूबसूरत एंड डिफरेंट स्टाइल फ्लावर बनाएंगे और उससे हम अपने हेयरबैंड पे लगाएंगे। ये सब देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे अगले ट्यूटोरियल में बेहद खूबसूरत पिंक फ्लावर बनाएंगे जो कि हम अपने हेयरबैंड पे लगा सकते हैं या फिर फ्रॉक्स पे लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर मेकिंग, हेयरबैंड मेकिंग या स्कर्ट मेकिंग आदि देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं। ये हमारा नेट फ्लावर बनाने के लिए हमने 3-3 इंच की 3 इंच की चौड़ी पट्टियाँ ले ली है। लेंथ आप कितनी भी ले सकते हैं। इसमें ये 2 शेड्स हैं, लाइट एंड डार्क। आप ये हमारा बचा हुआ कपड़ा था 2 शेड्स में, इसलिए मैंने इसमें हेयरबैंड बनाया। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, सिर्फ एक आप मैं आपको एक स्टाइल बता रही हूँ, वो चाहे कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी आप अपने मनपसंद से चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे 2 फोल्ड करेंगे। हमने ये 5 पट्टियाँ ली है। आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा हैवी फ्लावर चाहिए तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये कट के हमने हाफ इंच से भी कम गैप है। ये देखो, हाफ इंच का हाफ है, ये 1/4 पार्ट है 1 इंच का। और उसके बाद ऐसे ही हम करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इधर छोड़ देंगे। इसको इशार करते जाएंगे और अच्छे से कट करते जाएंगे। इधर देखो, ये स्पेस रहना चाहिए। इस तरह से हम सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे। जैसे ये कट करिए, और ये हमने इसकी जो हेडबैंड की पट्टी है उसके लिए ले ली है। ये हमने जैसे कि यार उसमें लेते हैं 14 इंच की हमारी ये पट्टी ली है। कान से कान के हिसाब से, एक कान से दूसरे कान का साइज है, तो ये कम ज़्यादा होता रहता है, आप साइज के हिसाब से कीजिए। और इसकी ये हमने 2 इंच इसकी विड्थ ले ली है। इसको हम ग्लू गन से या फिर आप स्टिच भी कर सकते हैं। अगर स्टिच करेंगे तो इसको ऐसे स्टिच करके उसको बैक करके और फिर हम इसके ऊपर वो लगाएंगे। स्टिच किया हुआ कपड़े को हम उसको स्टिचिंग को छुपाने के लिए उसको ऐसे करेंगे और उसके बाद इस पर आयरन करेंगे। तो अभी हम ये फ्लावर बनाएंगे जैसे कि सेम स्टाइल मैंने बताया है, ऐसे कट कर लेंगे। ये हमने हमारी पट्टी रेडी कर ली है चिपका के। इसके बाद ये हमारा जो हमने ये कट कर लिया है 1/4 पार्ट जो पीस लेके ये हमने कट किया है इसका, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। ये हम विदाउट स्टिचिंग हेयरबैंड तैयार करेंगे, इसमें हम कोई सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ फिर ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इसको रोल करते रहेंगे हम और थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते रहेंगे ये ग्लू गन मशीन से। और इसके बाद जब हमारी ये पट्टी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी पट्टी को कट करके इसके साथ लगाएंगे। ये हमारी एक पट्टी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम दूसरी पट्टी यहाँ पहले ग्लू लगाएंगे हल्का सा और यहाँ से चालू कर देंगे दूसरी पट्टी को। और अब की बार हम इसको ऐसे पकड़ेंगे ताकि अब ज़्यादा कपड़ा होने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम इसको इस साइड से पकड़ पकड़ के रोल करेंगे। इधर से पकड़ लेंगे हम ताकि हमें इसको ऐसे रोल करने में प्रॉब्लम ना हो। और अभी ये यहाँ ग्लू लगाएंगे। और इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और ये हमारा बेहद खूबसूरत फ्लावर रेडी हो जाएगा। इससे हम 3 पट्टियाँ ही लगाएंगे, फिर वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। आप चाहे तो कितनी भी पट्टियाँ लगा सकते हैं। कितना हैवी आपको चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। ये हमने देखो कितना सुंदर फ्लावर हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद इसको हम लगाएंगे। इसमें हम कोई स्टिचिंग यूज नहीं करेंगे। ये जो हेयरबैंड बना रहे हैं इसमें हमारी कोई स्टिचिंग नहीं रहेगी। हम विदाउट स्टिचिंग इसको रेडी करेंगे। इस पर अच्छे से ग्लू लगा देंगे हम। और ग्लू लगाने के बाद इसको हम 4.5 इंच की दूरी पर इसको चिपका देंगे।
ये हमारा बेहद खूबसूरत हेयर बैंड बनकर तैयार हो गया है। ये हमने 5.5 इंच की जो हमारी पट्टी राइट कट कर ली थी इसकी इलास्टिक की, इसको इसके अंदर ऐसे मोड़ देंगे इस कपड़े को, और आप चाहे तो इसको इससे ग्लू से भी लगा सकते हैं, और या फिर इसको ऐसे स्टिच भी कर सकते हैं ऐसे, और दोनों साइड से स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये हेयर बैंड बनकर तैयार हो गया। अगर आप लोगों को हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कनिकाज फैशन फन।